कॉलेज में क्या होता है कि हमें एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन अभी हायर स्टडीज़ में सब स्कॉलर्स ही होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें सबसे कम हमें ही मिलते हैं, तो फिर वो क्या होता है, जेलसी होता है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होता है? ऐसा ही जेलसी कब आती है? जब अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलतफहमी होती है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है कि किसी और को अच्छा मिला तो हमको लगता है कि मेरे से कहाँ आगे निकल गए, तो उससे आपको जलसी होने लगेगी। लेकिन दरअसल में हकीकत में क्या होता है, आपको जो भी कुछ मिलता है आपके हिसाब से मिलता है, सामने वाले को जो भी किसी को और को जो मिलता है उसके हिसाब से मिलता है। उसका जो कर्म है, पुण्य कर्म है, उसकी जो मेहनत है, तो हर किसी का अपना अपना खुद का अलग अलग होता है। एक दूसरे से कंपेयर करने से, एक दूसरे से स्पर्धा या जेलसी करने से उसमें कोई फर्क नहीं होता है। ऊपर से अपना जो है वो भी बिगड़ जाता है, समझ में आया ना? स्पिरिचुअल तो बिगड़ता है, लेकिन ये जेलसी करने से अच्छी पढ़ाई करती है, अपना दिमाग क्वाइट रख के कर कुछ कर सके तो वो भी चले जाएगा, समझ में आया ना? तो जो यही समझ को पकड़ के चलो, मुझे जो मिला है मेरी मेहनत का मिला है, मेरे कर्म के फल का मिला है, सामने वाले को मिला है उसके हिसाब से मिला है, मेरे हिसाब से मिला है, इसमें एक दूसरे का कुछ चलता नहीं है, समझ में आया ना? और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी अलग चीज़ है। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी तो हम लेकर रहते हैं, इन्फीरियर में हम हमेशा अपनी खुद को ही कोसते रहते हैं, अपने को ही सप्रेस करते रहते हैं, और को किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं, कहने के ऐसी कोई अपनी ताकत नहीं है, ऐसा पावर नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो फिर अपने पर ही कोसते हैं, अपने ही अपने से खुद ही खुद दुखी होते हैं। सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी वाले को अपने खुद के कुछ लगता नहीं है, औरों पे ही दे दनादन शुरू हो जाते हैं, जो भी कुछ है औक देते हैं, और ये कुछ बोल नहीं सकते तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं उसको, समझ में आया ना? और जेलसी तो अलग ही चीज़ है, वो ये दुर्गुण है, नोबल माइंड नहीं रहता है क्या? बड़ा मन रहता है ना, तो चाहे तेरे कुछ अच्छा मिला ये उसमें मुझे तो खुशी है, मुझे कम मिला तो कहीं चलो मेहनत ज़्यादा करेंगे, ऐसा लेना चाहिए।